फ्रेंड्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल जो कि हम डेली लाइफ में हमें देखने को मिलता है ना, डेली लाइफ बोलें या फिर हमारे जो इंटरनेट वगैरह चलते हैं वो सारे के सारे इसी से चलते हैं, है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है वो है ऑप्टिकल ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल मीन्स आप समझते हो, ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट, ठीक है ना, एंड फाइबर का मतलब होता है किसी तरह का धागा, है ना, धागा, ठीक है। यहाँ पर क्या है भाई, लाइट का धागा नहीं, यहाँ पर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर एक धागे के जैसे शेप का एक आप कह सकते हो एक वायर होता है, कैसा, एक धागे जितना पतला वायर होता है, आप उसकी थिकनेस मान सकते हो हमारे बाल के बराबर, इतनी कम थिकनेस इसकी होती है। बाकी इसको जो है ना कवर किए कर करके इसकी केबल को बहुत मोटा बनाया जाता है। बाकी इसके अंदर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर का मतलब क्या है, एक सिंपल सा एक फाइबर, एक धागा, कितनी थिकनेस, बोला हेयर के बराबर, ठीक है। बना किसका होता है, ये बना होता है ग्लास का, किसका बना होता है, ग्लास का, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है ग्लास, ग्लास का बना होता है, ठीक है। कंडीशन क्या होती है कि अगर हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो हमने देखा कहाँ है, तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर के प्रिंसिपल पर बेस्ड आपने मार्केट के अंदर जब आप मेले में जाते होंगे तो एक इस तरह का झाड़ू जैसी निकली होती है, आपने इस तरह का एक लैंप टाइप का देखा होगा, ठीक है ना, इसमें ये यहाँ पर चमक रहा होता है, ये ऑप्टिकल फाइबर का देखे जाने वाला बहुत बढ़िया एग्जांपल है ना, जिसको हम आराम से देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, सेम प्रिंसिपल, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पर लाइट भेजी जाती है और हम देखते हैं कि लाइट जो है ना ये नहीं चमकते, है ना, ये नहीं चमकते, इसके वायर जो होते हैं क्या चमकता है, डायरेक्ट लाइट यहाँ पहुँचती है, यहाँ पहुँचती है, यहाँ से लाइट डायरेक्ट कहाँ पहुँचेगी, यहाँ पहुँचेगी, यहाँ पहुँचेगी, यहाँ पहुँचेगी, लेकिन ये तो सिंपल एक आप कह सकते हो भाई कि चीज़ों को डेकोरेट करने के काम में आता है, बाकी ऑप्टिकल फाइबर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बोलो कैसे, देखो कंडीशन क्या होती है कि यदि हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को या फिर हमारे किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल मान लेते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ना, सिग्नल या फिर हमारे किसी तरह के टेली कम्युनिकेशन सिग्नल या फिर हमारे लाइट सिग्नल, कैसे, लाइट के सिग्नल जो है ना, लाइट सिग्नल यदि हमें हजारों किलोमीटर तक दूर भेजने हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पर हमें ऑप्टिकल फाइबर बिछानी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है, वहाँ पर हमें ऑप्टिकल फाइबर बिछानी पड़ती है। जो इंटरनेट वगैरह आता है वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही आता है, ठीक है ना। अब देखो ऑप्टिकल फाइबर हमें बिछानी पड़ती है, तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, एक तरह से वायर है, मतलब कैसा वायर है, एक ग्लास का बना हुआ वायर है, जहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे मान लो इसकी जो सबसे अंदर वाली सरफेस होती है, या फिर हम बोले जो सबसे अंदर वाला जो पोर्शन है उसको हम नाम देते हैं भाई कोर है, ये क्या है, कोर। इसके ऊपर एक और पोर्शन होता है जिसका नाम होता है क्लैडिंग, क्या नाम होता है, क्लैडिंग, CLADDING, ठीक है। इसके बाद जो इसके ऊपर होती है उसका नाम होता है प्रोटेक्टिव लेयर, क्या होता है, प्रोटेक्टिव कोटिंग या फिर प्रोटेक्टिव जैकेट, दैट मीन्स ये कोर ये मेन है, क्लैडिंग ये इसकी कवरिंग है दूसरे नंबर की, और जो थर्ड नंबर की है वो है प्रोटेक्टिव जैकेट। बात समझ में आ पा रही है आपको, ये डायग्राम कुछ खास नहीं है, आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं भाई, ये कोर हो गई, ठीक है ना, इसके बाद आप बना दें यहाँ पे कि भाई ये कोर हो गई, इसके बाद ये क्लैडिंग हो गई, ठीक है ना, इसके बाद आप यहाँ पे बना दें कि भाई ये ऊपर से जैकेट हो गई, प्रोटेक्टिव जैकेट। तो यहाँ पे आप तीन इंटरफेस यहाँ पे दिखा सकते हैं, क्लियर है। चलिए देखिए सिंपल सी बात यह है कि जो मेन काम होना है वो कोर के अंदर होना है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कोर का और क्लैडिंग का ज़रा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा डिफर करता है, अलग होता है, मतलब कैसे, कोर का रिफ्रैक्टिव होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अराउंड 1.5, ठीक है ना, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अराउंड 1.4, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि लाइट यदि जाती भी है तो डेंसर टू रेयर मीडियम में जानी चाहिए ताकि वो वापस से लौट के आ जाए, ठीक है ना। देखो अच्छा एक बात हमने शायद आपको बताने भूल गए, वो अभी बता देंगे वीडियो खत्म होगी तब, ठीक है, ध्यान दो। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जब जब लाइट रे क्या करते हैं हम, एक और बात कि जो ग्लास है हमारे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का हमारा मान कितना बताया था हमने, 1.5, ठीक है ना, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट मीन्स जो म्यू है वो कितना है, 1.5, तो जो क्रिटिकल एंगल है इसका, क्रिटिकल एंगल है वो है अराउंड 41 डिग्री, ठीक है, ये कितना है, 41 डिग्री क्राउन ग्लास के लिए, ठीक है, ध्यान दो। कंडीशन क्या बोला, 41 डिग्री इसका क्रिटिकल एंगल है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ऐसा होगा कि यदि आपने 41 डिग्री से ज़्यादा पर लाइट को इंसिडेंट कराया,
41 डिग्री से ज़्यादा फिर आपने लाइट को इंसिडेंट कराया, तो उस कंडीशन में क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा तो लाइट रे इंसिडेंट कर जाएगी, तो लाइट रे इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो आपने लाइट को इस तरह से इंसिडेंट कराया, इस तरह से ये लाइट गई, ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, तो ये लाइट रे ऊपर टकराने की जगह, ऊपर पेनिट्रेट करने की जगह ये नीचे वापस लौट जाएगी। ऐसे ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला एंगल, जब क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा तो ये लाइट रे कुछ इस तरह से आ जाएगी, ये एंगल क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा तो ये लाइट रे इस तरह चली जाएगी, और ये इस तरह से जाती ही चली जाएगी, और ये इस तरह से जाती ही चली जाएगी। इसके बाद अगर हम आपसे ऐसा बोलें कि भाई यहाँ पर सिग्नल्स का जो ट्रांसफर, मान लो हमने जो है ना इसको 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर कहीं भी ले जाएं, ये लाइट रे इस तरह से आगे बढ़ती ही चली जाएगी। ठीक है, इसकी एक खासियत, आप इसको चाहे मोड़ मोड़ लो, है ना, जैसे मान लो इस बीच सिग्नल ट्रांसफर हो रहे हैं, ये ऐसे केबल पड़ी हुए है ना, ये केबल ऐसे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कैसे, यहाँ पर जैसे मान लो लाइट रे, ये हमारी केबल ऐसे है, ऑप्टिकल फाइबर ऐसे है, अब ये हमारी केबल अगर मुड़ भी जाती है तो कुछ नहीं होता, ये लाइट इस तरह से गई। ठीक है ना, हम एंगल इतना ज़्यादा बना के भेजते हैं कि जैसे मान लो अगर हमने एंगल को बना दिया 80 डिग्री, ठीक है ना, तो भाई मुड़ भी जाएगी तो एंगल हमारा इंसिडेंट एंगल 50 हो गया, 60 हो गया, 45 हो गया, 45 भी होगा ना, तब भी ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ही होगा, फिर भी हमारा टोटली इंटरनली रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो मान लो कि भाई यहाँ पे ये लाइट इस तरह से गई, ये इस तरह से हो गई, अब मान लो कि ये एंगल छोटा बन गया, ये छोटा 41 से छोटा थोड़ा ना बनेगा, अगर हम 80 पे इंसिडेंट करा रहे हैं तो एंगल 40 छोटा हो ही सकता, तो यहाँ पे इस तरह से आ गई, ये इस तरह से, ये इस तरह से, और ये लाइट हमारी ऐसे गई थी और हमें ऐसे मिल गई, दैट मीन्स यहाँ से एंटर की थी और यहाँ से मिल गई, ऐसा भी हो सकता है। इस तरह का हमारा जो है ना ऑप्टिकल फाइबर है, लाइट को ऐसे एंटर कराएंगे और ऐसे मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो कैसे किया जाएगा, सिंपल सी बात आप जानते हो कि यदि हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, बात समझ में आ पा रही है आपको, यदि हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कुछ बातें ध्यान देनी पड़ती हैं। बोला क्या, ये हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल का ट्रांसमिशन होना है, यदि हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल का ट्रांसमिशन कराएंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़े एक्सटेंट पर लॉस हो जाती है। ठीक है ना, अब हमारे पास एक ऐसा मेथड है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जहाँ पर एनर्जी का लॉस होगा सबसे और बहुत ज़्यादा कम। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं कि भाई यहाँ पर जिस एंड से हमें सिग्नल भेजने पड़ते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास जो है ना किसी भी तरह के सिग्नल हैं, उसको हम क्या करें, मान लो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। ठीक है, कंडीशन क्या है, एक डिवाइस होता है ट्रांसड्यूसर, क्या होता है ट्रांसड्यूसर, वो इन सिग्नल्स को कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट कर देगा लाइट सिग्नल में। तो यहाँ से हमारे सिग्नल गए किसी दूसरे फॉर्मेट के लाइट में कन्वर्ट हो गए, किसने कर दिया, ट्रांसड्यूसर ने, जैसे हमारी आवाज़ को कन्वर्ट कर दिया जाता है ना वोल्टेज के फॉर्म में हमारे मोबाइल में, इसी तरह से यहाँ से सिग्नल्स गए दूसरे फॉर्मेट के और उसको ट्रांसड्यूसर ने लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और ये इस तरह से अब लाइट बन गए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ना अब जाते चले जाएंगे और जिस एंड पर इनको रिलीज़ करना होगा, जिस एंड पर इनको निकालना होगा, फिर से सिग्नल्स को क्या कर दिया जाएगा, फिर से सिग्नल्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू दी इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्लियर है, बात क्लियर हो पा रही है। तो इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर काफ़ी ज़्यादा और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ठीक ऐसा ही होता है हमारा जियो को, उसमें है ना बीच समंदर में डूबे हुए हैं। ठीक है ना, फाइबर इतना सा है, ये तो हमने बहुत बता दिया। फाइबर 1 mm का है, 2 mm का है, 3 mm का है बस। उसके ऊपर कोटिंग बहुत मोटी मोटी है कि भाई ये टूट ना जाए, ये ख़राब ना हो जाए, ये कट ना जाए, है ना, कट गई तो पूरा कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो कोटिंग, प्रोटेक्टिव जैकेट वगैरह बहुत मोटी होती है। आपने एक वीडियो भी देखी होगी शायद यूट्यूब पर, अगर ना देखी हो तो देख लेना, वो एक चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है, सिट टॉक नाम से, उस पर ये चीज़ दिखाई गई थी। तो बस ये ऑप्टिकल फाइबर का हुआ इस तरह से। अच्छा देखो, एक और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से क्या होता है ना कि एंडोस्कोपी वगैरह होती है। ठीक है, बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर अगर हमें स्टमक का इंस्पेक्शन करना है तो कैमरा ऐसा नहीं है कि सीधे पहुँच गई, तलवार डाल दी पेट में, दिखाई दे जाएगा, है ना, वहाँ पर भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है। बोला क्यों, यहाँ से लाइट सिग्नल भेजे जाएंगे और यहाँ पर जो है ना इस लाइट सिग्नल का जो भी यूज़ होगा हमारे स्टमक के अंदर, ये हमें ऐसे, क्योंकि ये लाइट ऐसे आ गई और यहाँ पे लाइट मिल जाएगी, और जब लाइट मिल जाएगी तो हम देखते हैं क्या हो रहा है, तो हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना उजाला हो गया, या फिर जो भी जो सिग्नल्स का कन्वर्जन करना हो वो हो गया। ठीक है, तो उस तरह से स्टमक वगैरह में, मतलब मेडिकल में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, और भी काफ़ी सारी बातें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर
तो भी बहुत है, ये चैप्टर भी बहुत है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आज इतना रखते हैं, रे ऑप्टिक्स का नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। और बहुत ज़रूरी बात आपको बताएं कि बताओ, कमेंट करो कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, तभी जाकर के हमारी मेहनत सफल होगी। क्योंकि जब तक कमेंट्स नहीं आएंगे, मतलब जब तक हमको जानने में नहीं आएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, बाकी आप जो लोग कमेंट करते रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू, है ना, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स से हमें पता पड़ता है कि हाँ, जो कुछ भी करा रहे हैं उसमें आपको बहुत मज़ा आ रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कमेंट करें, क्योंकि जब आप कमेंट करके बताओगे तब ही तो जाकर कि हमारे पास एक आपका रिस्पॉन्स आ पाएगा, और वो आपका जो रिस्पॉन्स है ना वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, आपका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी क्वेरीज़ वगैरह जो हैं प्लीज़ पोस्ट करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प हो पाए। और बस इतना ही कहना चाहेंगे, तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अलॉट, और बस मज़े करें, मज़े करें।